Hello student, once again I am Mandeep Patidar. Today our topic is manufacturing. Under this we talk about economical consideration, estimation of demand, sterile manufacture, non-sterile manufacture, procurement of store and testing of raw material. यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम लोग economical consideration, estimation of demand पे बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो है हम बात करेंगे स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग पर। स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा अभी टॉपिक है। हम इकोनॉमिकल कंसिडरेशन और कॉस्टिंग पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले वाला वीडियो उसी पे ही है। आज हम बात करेंगे स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग की। स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ड से ही हमको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या होता है, स्टरिलिटी रहेगी, ठीक है। अब क्या है इसमें, स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग में भी जो मेनली फोकस हमारा रहता है, वो फोकस रहता है हमारा किस पर, हमारा फोकस रहता है लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम पे। लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा, पेरेंट्रल कितने होते हैं, मिलीमीटर से लेके हजारों मिलीमीटर तक रहते हैं। आपने देखा है वैक्सीन सीरा कितना रहता है, बहुत पॉइंट में आपको वैक्सीन सीरा कुछ बहुत सारे ऐसे लगते हैं जो आपने कभी किसी पेशेंट को देखे हो, और वहीं पे 1000 ml, 2000 ml, इसके जरिए 500 ml की जो DNS NS की बॉटल है वो भी लगती है। तो जो 500 या उससे अबव के आते हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, और जो 500 ml से कम के होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। अब फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट हमको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए इसके लिए हम बात करेंगे। स्टोरेज इक्विपमेंट फॉर एम्पूल्स एंड वायल्स, जो आपके पास एम्पूल और वायल है उसके लिए जो हमको क्या चाहिए, स्टोरेज इक्विपमेंट चाहिए, स्टोरेज कैबिनेट चाहिए जहाँ पर हम चीज़ें स्टोर कर सके, वाटर स्टील चाहिए जिसमें हमारा जो काम पूरा प्रिपरेशन के लिए जो वाटर स्टील है वो लगेगा, एम्पूल वॉशिंग मशीन चाहिए क्योंकि एम्पूल की हम जब फिलिंग करेंगे तो उसके पहले वॉशिंग जरूरी है, एम्पूल ड्राइंग मशीन, जब एम्पूल वॉश हुआ तो ड्राई भी उसको करना जरूरी है, फिलिंग और सीलिंग। जब एम्पूल में हमने, आपने देखा है ना एम्पूल 1 ml, 2 ml, 3 ml के जो एम्पूल आते हैं इंजेक्शन पर, आपके सामने डॉक्टर ब्रेक करता है उसके बाद लगा देता है, उसको एम्पूल बोलते हैं, फिलिंग एंड सीलिंग यूनिट। फिर सेंटर्ड ग्लास फनल चाहिए, और फिल्टर प्रेस, हॉट एयर ओवन, इक्विपमेंट फॉर रिवोल्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो इक्विपमेंट, ऑटोक्लेव, लेबलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये कुछ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अब फैसिलिटीज़ की हम यदि बात करते हैं स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंक्लूड मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस इन एसेप्टिक फिलिंग रूम, जो एसेप्टिक फिलिंग रूम रहता है वहाँ पर क्लीनलीनेस की बात करेंगे तो बिल्कुल जो डिग्री है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, एकदम क्लियर और एसेप्टिक रूम होना चाहिए, और उसके सराउंडिंग के जो बफर एरिया है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो वहीं पर हमको क्या करना है, स्टरिलिटी रखना है, स्टराइल एरिया रखना, पर उससे लगे हुए जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर बफर एरिया कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा स्टैंडर्ड जो है क्लीनिंग का वो हमको रखना पड़ेगा, लेकिन वो जो एरिया होता है स्लाइटली लेसर होता है किससे, एसेप्टिक रूम से। फॉर कंस्ट्रक्शन इट रिक्वायर्स बेस्ट मटेरियल एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन की यदि बात करते हैं तो सबसे बेस्ट मटेरियल यूज होना चाहिए, डिज़ाइन भी उसका सही होना चाहिए। द सीलिंग वॉल्स एंड फ्लोर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मटेरियल विच आर इजी टू क्लीन एंड नॉन पोरस, सो एज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर। अब आपको ऐसे तरह से ऐसी चीज से वॉल और फ्लोर और रूफ इस तरह से सीलिंग्स जो हैं ये सब आपको ऐसे मटेरियल से बनाना है जिससे क्या है वो इजीली वॉशेबल, इजीली क्लीन हो जाए और साथ ही साथ उस पर डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स फॉर द फ्लोर इज सिरेमिक प्लास्टिक, सीमेंट अप्लाइड एज अ थिक कोट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लोर टू गिव कंटिन्यूस सील्ड सरफेस। अब आप क्या करते हैं यहाँ पर जो आपके पास सरफेस है उस पर सिरेमिक प्लास्टिक जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं। मोरेबल मेटल पार्टीशन आर यूज फॉर पार्टीशनिंग ऑफ रूम बट दे हैव गॉट द डिसएडवांटेज ऑफ विजिबिलिटी। अब क्या होता है पार्टीशन करने के लिए हम मेटल को यूज करते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि विजिबिलिटी नहीं रहेगी, हमको नेक्स्ट रूम में दिखेगा नहीं, ठीक है। और क्या होगा, सपोज करो हम गेट खोलने जा रहे हैं, उधर से अंदर से किसी ने गेट खोल दिया तो कुछ चांसेस ऐसे होते हैं क्योंकि लॉक एंड की जो एयरलॉक वाले सिस्टम रहेंगे तो प्रॉब्लम के चांसेस हैं। ग्लास इज जनरली यूज्ड फॉर पार्टीशनिंग एंड फॉर गुड
सुपरवाइजरी व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब क्या होता है, अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी, यदि आपने मेटल मेटल लगा लिया, मेटल लगा लिया तो अंदर से दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह हमने ग्लास सेक्शन लगा लिया तो सबको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो सुपरवाइजर है वो बाहर से देख सकता है कि किस तरह से काम चल रहा है। इक्विपमेंट विच आर डिफिकल्ट टू द स्टरलाइज आर केप्ट आउट ऑफ एसेप्टिक एरिया, इफ दे आर टू बी यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द डिसइंफेक्टिंग प्रोसेस। अब आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसको स्टरलाइज करना एसेप्टिक एरिया में प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, तो उसको एसेप्टिक एरिया में नहीं रखेंगे, उसको बाहर रखेंगे, और यदि उसको प्रोसेसिंग में हमको कोई सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगता है तो हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूस डिसइंफेक्शन करते रहेंगे उस इक्विपमेंट का। एनवायरमेंटल कंट्रोल, अब आपने इक्विपमेंट देख लिया, आपको इक्विपमेंट या फैसिलिटीज आपने देख ली कि आपको क्या क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, आपको एसेप्टिक एरिया चाहिए, ठीक है, उसके बाद ग्लास डोर किसका रहना चाहिए, मेटल का रहना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें हो गई। अब एनवायरमेंटल कंट्रोल, आपको एनवायरमेंट किस तरह का चाहिए, द स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल में वेरी डिपेंड अपॉन द एरिया इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, इट रिक्वायर्स गुड एनवायरमेंटल कंट्रोल प्रेयर एंड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की, तो क्या होता है, जैसे हम बीटा लैक्टम जो भी एंटीबायोटिक बनाते हैं या क्लेविनिक एसिड जिसके साथ हम मिला के बनाते हैं, तो क्लेविनिक एसिड क्या है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो उसके लिए आपको इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए कि वहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल कम होता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसिंग किस प्रोडक्ट की हो रही है, ट्रैफिक कंट्रोल ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैसे इन्वायरमेंट कंट्रोल का। क्यों, अब इन्वायरमेंट कंट्रोल कैन बी मेंटेन इजीली इफ देयर इज नो इन एंड आउट ट्रैफिक ऑफ सप्लाईज एंड पर्सन्स, यदि आपके यहाँ से कोई बार बार अंदर या बाहर जा रहा है, वहीं से वो टॉयलेट जा रहा है, टॉयलेट से फिर अंदर एसेप्टिक रूम में आ रहा है, तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि यदि आपने ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, पर्सन का कंट्रोल कम कर दिया आना जाना, तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल आपका कंट्रोल हो जाएगा। दे शुड हैव परमिटेड टू द एंटर एसेप्टिक एरिया ओनली आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर लाइक चेंजिंग ऑफ द क्लॉथ, वॉशिंग देयर हैंड्स, पुटिंग ऑफ ग्लव्स, शूज, हैट्स एंड फेस मास्क। अरे आप कभी किसी इंडस्ट्री विजिट पर गए होंगे या आप इंडस्ट्री देखी है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो क्या होता है, हमको हमारे कपड़े चेंज करना पड़ते हैं, उसके बाद जो हमको वो वहाँ से कपड़े देते हैं वो पहनते हैं, हम केप पूरा बांधते हैं, मास्क लगाते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, शूज हमारे पूरे निकलते हैं, हमारे केप वगैरह, ज्वेलरी, सब चीज़ें बाहर रहती। वंस दे एंटर द एसेप्टिक एरिया दे आर नॉट परमिटेड टू मूव आउट ऑफ द एरिया टिल द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज कंप्लीटेड। एक बार एंट्री कर ली यदि किसी व्यक्ति ने, तो वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो पर्टिकुलर लॉट की मैन्युफैक्चरिंग खत्म ना हो जाए, या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है जो कब तक खत्म ना हो जाए। अन अथराइज पर्सन शुड नॉट बी परमिटेड इन टू एसेप्टिक एरिया, जो पर्सन अथराइज नहीं है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है एसेप्टिक एरिया में। मतलब क्या हो गया, आप पूरा पैक होके जाएंगे, चेंज करके जाएंगे, उसके बाद आपका जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप बाहर आएंगे, और ट्रैफिक कंट्रोल की बात आती है तो जो कोई यदि अनऑथराइज पर्सन है वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा एसेप्टिक एरिया में। मेंटेनेंस, जनरली क्लीनिंग इज डन एट द एंड ऑफ वर्किंग डे ऑफ ड्यूरिंग नाइट। अब आपकी वर्किंग क्या खत्म हो गई, उसके बाद क्या होगा, क्लीनिंग होगी। इट इंक्लूड्स ऑल द सरफेस लाइक सीलिंग, वॉल्स, फ्लोर, काउंटर्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इट शुड बी केप्ट आयन माइंड दैट क्लीनिंग शुड नेवर बी डन जस्ट प्रियर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो एज टू परमिट द सेटिंग ऑफ डस्ट फ्रॉम एयर एंड अलो फॉर द कंपटीशन ऑफ द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड यूवी रेडिएशन। अब क्या होगा, मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो जब हमारी वर्किंग खत्म हो जाएगी, वर्किंग खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा बढ़िया उसकी डिसअम्बेल करेंगे, पूरा मशीन खुला, उसको वॉश करेंगे, उसके बाद उसका क्या डिसइंफेक्शन हुआ, उसके बाद सब चीज़ें हुई, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे मेंटेनेंस के बाद, कल सुबह होगा। लेकिन जैसे ही हमको क्या करना है, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, उसके पहले हम सीलिंग और इनकी वाल की सफाई नहीं करेंगे, डस्टिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डस्ट एनवायरमेंट में रहेगी, आपने जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करा प्रोडक्ट में आ जाएगी। डिसइंफेक्शन की बात करते हैं कि ऑल द सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड इन एसेप्टिक एरिया एंड इफेक्टिव लिक्विड डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रेड और वेव्ड ऑन द सरफेस। अब आपके पास सरफेस जो है उस पर बढ़िया सा डिसइंफेक्टेंट आपको यूज करना है, उसको यूज करना है। इरेडिएशन, यूवी रेज आर एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन, हेंस दे प्रोड्यूस अ डिसइंफेक्टेंट एक्शन ऑन द डायरेक्टली इरेडिएटिव सरफेस। डायरेक्ट इरेडिएशन ऑफ रूम इज डन व्हेन द पर्सन आर नॉट प्रेजेंट। अब वहां पर कोई पर्सन नहीं है, आपको कुछ
यूवी रेस आपने वहां पर स्टार्ट कर दी, यूवी रेस करके आपने बैक्टीरिया इन्फेक्शन खत्म कर दिया। डायरेक्ट इन्फेक्शन डन व्हेन द पर्सन आर नॉट प्रेजेंट, इट एक्ट एज अ गुड सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल काउंट ऑन द वर्किंग बेंच फ्लोर, लेम्स आर इंस्टॉल्ड अबव द लीड लेवल सो दैट द पर्सन प्रेजेंट आर नॉट इरिटेटेड एंड ओनली इरिटेबल सर्कुलेटिंग एयर टू रिड्यूस द बैक्टीरियल काउंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब क्या होगा, जो वर्किंग टेबल्स थे और जितनी भी काम की चीजें, वहां पर आपने यूवी लैंप्स लगा दिए और वहां पर जो पर्सन नहीं है आपने चालू कर दिया, उससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद आप काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द बेस्ट प्रैक्टिस इन द यूवी लाइट रेज इन द कोल्ड कैथोड मर्कुरी वेपर लैंप विच प्रोवाइड्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन। कोल्ड कैथोड मर्कुरी वेपर लैंप रहता है यूवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रेडिएशन में आपको इतना ही केवल ध्यान रखना है कि हम रेडिएशन के द्वारा माइक्रोबायल कंटामिनेशन को कम करते हैं, इसमें यूवी रेस को हम यूज करते हैं। यदि आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आपके समझने के लिए होता है कि हम कैसे करते हैं फ्लोर्स और टेबल्स पे, इन पे सब पे रेडिएशन से जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब एयर क्लीनिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एयर क्लीनिंग कैसे करेंगे, द एयर इज द एसेप्टिक एरिया कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। सबसे बड़ा सोर्स है कंटामिनेशन का एसेप्टिक एरिया में। सो टू मेंटेन द एसेप्टिक कंडीशन बिसाइड द वेरियस प्रिकॉशंस फॉलोड, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू क्लीन द एयर बिफोर इट इज अलाउड टू एंटर इनटू द एसेप्टिक एरिया। मतलब एसेप्टिक एरिया में जो एयर आ रही है उसको सबसे पहले क्लीन करना है, उसके बाद ही आना है। पता पड़ा आपने एक तरफ से मॉइस्चर कंटेंट सब चीजें बराबर कर ली और आप क्या कर रहे हैं, जो एयर आ रहा है वो बाहर का एयर सीधा आ रहा है, तो क्या होगा, एसेप्टिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आपको एयर कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू क्लीन द एयर बिफोर इट अलोट टू द एंटर इन टू द एसेप्टिक एरिया। क्लीन रूम्स आर जनरली क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में क्लीन रूम को क्लासिफाइड किया गया। सॉरी, एक कन्वेंशनल क्लीन रूम सिस्टम, दूसरा लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम। जो कन्वेंशन क्लीन रूम सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, क्लीन रूम विच इज डिफाइंड एज द सच एनवायरमेंटल कंटेनिंग नॉट मोर देन 10,000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक फिट ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर एंड लार्जर साइज। मतलब क्या है कि क्लीन रूम जो है वो ऐसा एनवायरमेंट है जहां पर 10,000 पार्टिकल पर क्यूबिक, 10,000 पार्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितनी जगह पर क्यूबिक फिट पर 0.5 माइक्रोमीटर एंड लार्ज साइज। कन्वेंशनली क्लीन रूम डील्स विद एयर हैंडलिंग, दैट इज एयर कंडीशनिंग, वेयर बाय द डस्ट पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज कंट्रोल। क्लीन रूम में जल्दी हम बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पर हम एसी का यूज करेंगे जो डस्ट पार्टिकल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कन्वेंशनली टू एयर कंडीशनर्स, वन एट द सीलिंग एंड वन एट द बेंच लेवल आर फिक्स्ड इन द रूम। आपने एक तो सीलिंग पर लगा दिया एसी, दूसरा आपने उस बेंच पे लगा दिया, वर्किंग बेंच पे जहां पर आप काम करेंगे। डिफ्यूजर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड टू थ्रो द पार्टिकल्स टूवर्ड द कॉर्नर। अब क्या होगा, जैसे ही आपने एसी लगाया, एसी लगाने के बाद क्या होगा, आपको डिफ्यूजर लगाना पड़ेंगे कॉर्नर पे, तो ऊपर से जैसे ही वो एयर से पार्टिकल्स नीचे आए तो वो उसको लेके कोने से बाहर फेंक दे। द वर्किंग बेंच इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल एरिया विच इज कंप्रेहेंसिवली क्लीन एज वर्कड एज द अदर पार्ट ऑफ द रूम। सेंटर में आपका वर्किंग प्लेस होना चाहिए, वहां पर आप काम करेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम मैं अभी आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ये रहा आपका, इस तरह से एसी आपने रखा, यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये आपका वर्किंग टेबल है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, यहाँ पर काम चल रहा है, आप काम कर रहे हैं। यहाँ से एयर आया, डस्ट पार्टिकल आया, ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। सॉरी, यही हम वहां बात कर रहे थे। अब डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल क्लीन रूम का क्या हो गया, लॉट ऑफ स्पेस इज वेस्टेज। अब आपको एसी लगाना पड़ेगा, दो टेबल लगाना पड़ेगी, साथ में उसका बाहर निकालने के लिए उस एयर को इतने सारा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, तो ये स्पेस इसमें बहुत ज्यादा खत्म होती है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड डस्ट आर कंट्रोल्ड ऑल एट वन टाइम विच बिकम्स डिफिकल्ट। डस्ट कंट्रोल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पाता है, केवल एसी से हम ये कंप्लीट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डस्ट पॉकेट्स अकर्स विच कंटामिनेट द एरिया। कन्वेंशनल क्लीन रूम सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर द एसेप्टिक प्रोसेसिंग यूनिट बट इंस्टेड इन यूज फॉर मेंटेनिंग जनरल क्लीननेस इन द एस्टेब्लिशमेंट। अब आपको जनरल क्लीननेस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, एसेप्टिक एरिया में इसको यूज नहीं कर सकते, ये एरिया को एसेप्टिक कंडीशन में नहीं लाएगा। एक प्रोसीजर में ये बता दिया आपको, हाई इफिशियंसी एयर फिल्टर ऊपर लगे हुए हैं, वहां से एयर आ रही है, ये जनरली। दूसरा फिर है ये, इस तरह से
अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है, आपने सेफ्टी यहां से सप्लाई हुई, यहां से रिटर्न है, पर क्या हुआ, एयर किस तरह से घूम रही है, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब लेमिनार फ्लो क्लीन रूम सिस्टम, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में आजकल यूज होता है। लेमिनार एयर फ्लो प्रोवाइड्स अ टोटल शेप ऑफ द कन्फाइंड एरिया बिकॉज दिस एंटर बॉडी ऑफ एयर मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पैरेलल लाइंस ओरिजिनेटिंग थ्रू द हेपा फिल्टर ऑक्यूपाइंग वन एंटायर साइट ऑफ द कन्फाइंड एरिया। अब इसमें क्या होता, आपको एक तो एक स्पीड से जो एयर है वो मिलेगी, ठीक है, एक स्पीड से मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और एक ही दिशा में मूव करेगी, हेपा फिल्टर के कारण ये होता है। देयरफॉर इट बेच द एंटायर एरिया विद अ वेरी क्लीन एरिया से स्वीपिंग अवे द कंटामिनेंट। द इफेक्टिव एयर वेलोसिटी इज 10 प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट। ये एयर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या है, 100 से 120 या प्लस माइनस 20 फीट पर मिनट होती है। द लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम ऑफर्स वेरियस एडवांटेज ओवर अ कन्वेंशनल क्लीन रूम। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज है जो कन्वेंशनल क्लीन रूम के ऊपर क्या है, द पर्सन वर्किंग इन द एरिया डज नॉट फील द मूवमेंट ऑफ एयर और चिल, एयर और मूवमेंट का चिल उसको ऐसा नहीं होता क्योंकि एसी में आपको ठंड लगती है, लेमिनार फ्लो में एक उससे आएगी, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द रूम कैन बी यूटिलाइज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई सा भी पार्ट आप यूज कर सकते हो क्योंकि लेमिनार फ्लो आ रहा है, इक्वल एयर इक्वल वेलोसिटी से आ रही है सब जगह। एज द बॉडी ऑफ द एयर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पैरेलल लाइंस द कैपेसिटी ऑफ कैरी द डस्ट पार्टिकल इज मोर एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल क्लीन रूम सिस्टम। अब एक पैरेलल दिशा में ये सब वो जाएगी तो ये जो कन्वेंशनल रूम है उससे ज्यादा डस्ट पार्टिकल कैरी करने की क्षमता है, ज्यादा बाहर करेगी। विद द वेलोसिटी ऑफ एयर बीइंग 100 फीट पर मिनट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डर्टी पार्टिकल इज निग्लिजिबल एज इट डज नॉट परमिट द सेटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ये इतनी स्पीड रहती है 100 फीट पर मिनट से तो क्या होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल सिटिंग डाउन होने की कम संभावना बहुत ही कम रहती है, इस कारण से डस्ट पार्टिकल की संभावना कम है। देर आर एज मेनी 100 एयर चेंज पर आवर्स पर क्यूबिक फीट विच इनेबल लेजर डस्ट पॉकेट विद द लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होती है 100 एयर के जो पॉकेट है वो पर आवर में पर क्यूबिक मीटर में चेंज होते हैं। द स्टेराइल एरिया अटेंड इज ऑफ वेरी हाई ऑर्डर दस नो केमिकल मीन्स ऑफ स्टेलाइजेशन इज नीडेड। जो स्टेलाइजेशन एरिया है वो बहुत हाई लेवल का होता है तो आप केमिकल स्टरलाइजेशन करने की कोई जरूरत यहां पर आन नहीं पड़ती है। अनलाइक द कन्वेंशनल रूम एयर फ्लो सिस्टम आर ह्यूमिडिटी डस्ट एंड टेम्परेचर आर रेगुलेटेड एज सेपरेट एंटिटीज रिड्यूस द लोड ऑफ द फिल्टर्स एंड द रिक्वायर्ड द कूलिंग एंड हीटिंग इक्विपमेंट मे बी सेपरेटेड एम्प्लॉयड टू मेंटेनेंस द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब आपको कूलिंग और हीटिंग जो सिस्टम है वो अलग रहेगा, यहाँ केवल हेपा फिल्टर के कारण आप क्या करेंगे, केवल वेलोसिटी को पे काम करेंगे, इसलिए मेंटेनेंस करना ठीक है। देर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, डाउनवर्ड्स एयर फ्लो सिस्टम, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो सिस्टम और वॉल टू फ्लोर एयर सिस्टम। ये रहा आपका वर्टिकल लेमिनार फ्लो डायग्राम, या तो इसी को हम डाउनवर्ड बोल सकते हैं। वर्टिकल ये क्या हुआ आपका एयर, एयर कहाँ से आ रही, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड, या इसी को हम वर्टिकल सिस्टम बोलते हैं। एक लेमिनार फ्लो सिस्टम क्या आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेमिनार फ्लो में ऐसा रहेगा आप यहाँ सामने काम, या आप यहाँ सामने काम करेंगे तो एयर फ्लो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से और इधर से निकल जा रहा है। अब यहाँ पर आप यहाँ काम करेंगे और हॉरिजॉन्टल से आ रहा है तो इधर से एयर आएगा, आप यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये सिस्टम होता है जो हमारा एसी जैसा होता है, यहाँ से सीधा ये वर्किंग एरिया है हमारा, यहाँ से यहाँ एयर आएगा। ये तीन तरह के हम लेमिनार फ्लो सिस्टम यूज करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा लेआउट ऑफ स्टेराइल प्रोडक्शन एरिया, किस तरह से आप लेआउट बनाएंगे। सॉरी, द एरिया दैट कंटेन नॉट मोर देन पार्टिकल पर क्यूबिक फीट ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर एंड लार्जर साइज कैन बी अचीव्ड बाय द लेमिनार फ्लो ऑफ हेपा फिल्टर, वेयर एज क्लीन रूम सच एज क्लास 10,000 कैन बी डिफाइंड एज द एरिया दैट कंटेन नॉट मोर देन 10,000 पार्टिकल पर क्यूबिक फीट। अब आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं क्लियर रूम या क्लीन रूम की बात करते हैं तो वो जो होता है 10,000 पार्टिकल पर क्यूबिक फीट से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। लेमिनार एयर फ्लो की हम यूज़ कर बात करते हैं तो 0.5 माइक्रोमीटर एंड लार्जर साइज कैन बी यूज। अब स्टेराइल एरिया में आपको क्या क्या लगेगा, पहला आपको लगेगा क्लीन अप एरिया, दूसरा आपको लगेगा प्रिपरेशन एरिया और कंपाउंडिंग एरिया, तीसरा आपको लगेगा एसेप्टिक एरिया, चौथा लगेगा आपको क्वारंटाइन एरिया और पांचवा लगेगा फिनिश्ड एंड पैकेजिंग एरिया। इससे आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन मुख्य जो हम बात करेंगे ये पांच एरियों पे काम होता है। रूम्स आगे पीछे ज़्यादा हो सकते हैं, दो रूम चार रूम, आप हॉल बड़ा है, आप कैसे करते हैं। क्लीन एरिया क्या है, दिस एरिया हैज वॉल एंड सीलिंग विथ फिल्म कोटिंग मटेरियल। इस एरिए की जो वॉल और सीलिंग होती है वो फिल्म कोटिंग मटेरियल की होती है। देयर शुड बी नो होल्स कॉर्नर्स और प्रोजेक्शंस। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ पर कोई होल कॉर्नर या प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। द एयर शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट एंड माइक्रोब, जो एयर वहाँ पर आएगी वो डर्ट और माइक्रोब से फ्री होना चाहिए। द रूम शुड अंडरगो अ मिनिमम ऑफ 10 to 15 एयर चेंज पर हावर। जो ये आपके जो एयर चेंज साइकिल है वो 10 से 15 प्रति घंटा होना चाहिए। ऑल इनकमिंग एयर शुड बी पास थ्रू द फिल्टर विद एफिकेसी ऑफ एटलीस्ट 95%। जो फिल्टर है उससे पूरी जो इनकमिंग एयर है वो पास होना चाहिए और एफिकेसी जो है आपकी 95% होना चाहिए। प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग एरिया, इन दिस एरिया फार्मुलेशन इज कंपाउंडेड एंड फॉर दिस इट इज नॉट एसेंशियल दैट द एरिया शुड बी एसेप्टिक बट कंट्रोल्ड मेजर आर प्रोवाइडेड टू द कंट्रोल डस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेट एंड कंपाउंडिंग प्रोसीजर्स। अब ये जो प्रिपरेशन एरिया है ये जरूरी नहीं है आपका कि एसेप्टिक एरिया हो, बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि जब आप पाउडर ले रहे हैं तो जो डस्ट है वो इधर उधर सेटल ना हो, इसकी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। कैबिनेट एंड काउंटर्स आर जनरली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स। जो कैबिनेट और काउंटर वहाँ पर रहेंगे जिसमें आप केमिकल्स रख रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होना चाहिए। द सीलिंग वॉल शुड बी मेड अप ऑफ सच मटेरियल विच आर इम्पेरियस टू वाटर। अब आपकी वॉल ऐसी होना चाहिए जो वाटर की लविंग ना हो, ठीक है। एसेप्टिक एरिया, अब यहाँ पर एसेप्टिक एरिया की बात करते हैं हम कि द सीलिंग वॉल्स एंड द फ्लोर मस्ट बी सील्ड प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी वॉश एंड डिसइनफेक्टेंट व्हेन रिक्वायर्ड। बढ़िया से सीलिंग उसकी होना चाहिए जो कि जब हम बार बार इसको वॉश और डिसइनफेक्शन कर सके। ऑल द काउंटर्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जितने भी काउंटर है वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होना चाहिए। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द डस्ट पार्टिकल शैल नॉट बी एक्यूमुलेट, डस्ट जो है आपकी और जो गंदगी है वो बिल्कुल उस पर एक्यूमुलेट ना हो सके। एज मच एज पॉसिबल स्टोरेज टैंक्स मिक्सिंग टैंक्स कंटेनिंग द कंपाउंड प्रोडक्ट शुड रिमेन आउटसाइड द एसेप्टिक एरिया एंड देन द प्रोडक्ट इज फेड इन टू द एसेप्टिक थ्रू द पाइपलाइन। अब जो आपका एसेप्टिक एरिया है उसमें जो कंपाउंडिंग टैंक है, जो मिक्सिंग टैंक है जिसमें हम वॉल्यूम वाटर में हमारा जो केमिकल है, जो जैसे मानने के लिए डेक्सट्रोज बना रहे हैं हम 500 ml का D5 D10 बना रहे हैं या DNS बना रहे हैं, तो क्या होगा इसकी मिक्सिंग और इसका कंपाउंडिंग एरिया अलग होना चाहिए। एसेप्टिक एरिया में हम केवल फिलिंग करेंगे और एसेप्टिक एरिया में ये पाइपलाइन के थ्रू आना चाहिए। क्वारंटाइन एरिया, क्वारंटाइन एरिया की बात क्या करेंगे, द पर्पस ऑफ, यहाँ पर कोरोना वाला क्वारंटाइन नहीं है, ठीक है। द पर्पस ऑफ क्वारंटाइन एरिया इज दैट द बैच कैन बी स्टोर्ड फिजिकली सेग्रीगेटेड फ्रॉम देयर इन प्रोसेस बैच और अप्रूव्ड बैच इज लॉक्ड स्टोर टू विच एक्सेस इज द रिस्ट्रिक्टेड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आपका क्या कहेंगे, क्वारंटाइन एरिया में आपका प्रोडक्शन तो हो चुका है, अब इसको आपने साइड में रख दिया, इस साइड में रखने के कारण इन प्रोसेस की जो सिचुएशन है उसमें ये बीच में मिक्सिंग ना हो, प्रोडक्ट बन रहा है ये एक बेच आपने अलग रख दिया, अब ये क्वारंटीन है। क्वारंटीन मतलब अब स्पीड टेस्टिंग चलेगी, क्वालिटी कंट्रोल से आपके पास रिजल्ट आएगा कि हाँ ये बेच पास है, इसको आगे निकालना है कि नहीं निकालना है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद हम इसको आगे भेजते हैं, इसलिए ये क्वारंटीन एरिया में रखेगी। फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल टू सेग्रीगेशन बिटवीन बेच एंड द स्टोरेज सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इजी एक्सेस टू ईच बेच टू प्रोड्यूस कैन मेड बाय एन अप्रूव्ड पर्सन इन केस ऑफ नीड टू रीसिंपली। अब क्वारंटीन एरिया में क्या हो गया, अब आपने देखा होगा बहुत सारी अभी अब जो प्रिपरेशंस रहती है उन पर देखा करो बेच नंबर लिखा रहता है, अब अलग अलग बेच नंबर का सिस्टम रहता है। आपने एक बार लॉट बनाया तो वो एक बेच का बनेगा, दूसरा लॉट जब बनाएंगे उसकी फिलिंग जब चलेगी वो दूसरे लॉट की रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है जो इंडस्ट्री 24 घंटे ही काम करती है, सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू चलती है, उसमें क्या होता है आपने एक बेच बना ली, उस पूरे लॉट को ख़त्म होने के बाद दूसरा बेच बनेगा। अब ये दोनों बेच रखे हैं, इसको आगे जब यदि रीटेस्टिंग करना है तो फिर से उसके बीच में से ढूंढना मुश्किल है, इसलिए बेच टू बेच क्वारंटाइन करेंगे तो आप वहाँ से वापस से पुरानी बेच का प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया, अब लेबलिंग एंड पैकेजिंग एरिया की बात करेंगे, इन दिस बेच
नंबरिंग एंड ओवर प्रिंटिंग ऑफ लेबल शुड बी टेक प्लेस। एडिक्वेट स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ओवर प्रिंटिंग डिवाइस एंड पैकेजिंग मशीन। ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेबल शुड बी प्रोसेस्ड एट द वन टाइम। केवल आप यहाँ पर जो लेबलिंग और पैकेजिंग एरिया, आप यहाँ पर लेबलिंग हो गया, आपके पास क्या प्रोडक्शन आ गया, लार्ज वॉल्यूम फिल होकर आ गया प्लास्टिक की बॉटल में या कांच की बॉटल में, अब उस पर लेबल लगाना है। लेबल पर आपके पास या तो मशीन से लगाएंगे या आप मैनुअल लगाएंगे। जब मशीन या मैनुअल से लगाएंगे, किसी चीज़ से भी लगाओ, तो ये आपका जो एरिया है ये सेपरेट होना चाहिए, क्वारंटीन के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पर लेबलिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, तो लेबलिंग स्टार्ट होने पर यदि आपने बनाया है D10 और मानने के लिए डेक्सट्रोस 5% बनाया और उसी के साथ आपने DNS डेक्सट्रोस और प्लस नॉर्मल सलाइन बनाया, तो लेबलिंग जो होगी और पैकेजिंग जो होगी वो केवल एक ही प्रोडक्ट की होगी एक समय पे। इससे क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा, मतलब लेबल इधर से इधर उड़ गया या लेबल इधर से उधर लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक टाइम पे एक ही लेबल लगेगा उस प्रोडक्ट पे और उसका लाइन क्लियरेंस होगा, पूरा सफाई होगा, केमिस्ट वो जो आपका वहाँ पर सुपरवाइजर रहेगा, जो QC केमिस्ट रहेगा, ये सब आके प्रोडक्शन केमिस्ट आके ये देखेंगे कि लाइन क्लियरेंस सब हो गया, सब लेबल वहाँ से उठ गए, फिर दूसरी पैकिंग स्टार्ट होगी। अब एक टिपिकल लेआउट हम बात करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, आपके पास स्टॉक रूम है, चाहिए जहाँ पे आपके केमिकल्स आपने स्टॉक कर रखे, जहाँ पर केमिकल से मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनाना है वो, ये कंपाउंडिंग एरिया, यहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया, यहाँ से वेइंग वर्क करा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा, मतलब जो मिक्सिंग करना है वो करा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है, या तो इसको स्टरलाइज करना है तो स्टरलाइजेशन के लिए भेज दिया, या फिर हमने इसको प्रोडक्शन के लिए कहाँ भेज दिया, एसेप्टिक एरिया में, एसेप्टिक एरिया में बनने के लिए भेज दिया। पहले यहाँ से समझो, यहाँ से हमने प्रोडक्ट लिया, उसकी कंपाउंडिंग की क्या क्या बनाना है, मिक्सिंग करना है, ग्रेनुलेशन करना है, जो भी करना है, उसका सॉल्यूशन बनाया, सस्पेंशन बनाया, फिलिंग बनाई हमने यहाँ पर, फिर उसको एसेप्टिक एरिया में भेज दिया, एसेप्टिक एरिया में फिलिंग हो गई, फिर हम उसको स्टरलाइजेशन के लिए लाए, स्टरलाइज करा, फिर वापस एसेप्टिक एरिया से जाके क्वारंटीन एरिया में चले गए। क्वारंटीन एरिया में हमने रखा उसको, लेबलिंग हुई, टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद वो रिपोर्ट QC ने बोला क्वालिटी कंट्रोल ने बोला ये पास है, तो हमने इसको कहाँ भेज दिया, पैकेजिंग और लेबलिंग हो गई तो हमने कहाँ भेज दिया, स्टोरेज, यहाँ पे स्टोर हो गया, उसके बाद जब ऑर्डर आया तब ट्रांसपोर्ट हो गया। इसी के साथ यहाँ पर क्या हो गया, क्लीन अप एरिया में आप ले गए, क्लीन अप एरिया में ले जाने के बाद प्रोडक्ट को आपने साफ किया, उसके बाद क्या हो गया, कंपाउंडिंग एरिया, कंपाउंडिंग एरिया से स्टरलाइजेशन डायरेक्ट, या स्टरलाइजेशन हुआ उस प्रोडक्ट का, स्टरलाइजेशन के बाद आपने फिलिंग कर दी, फिलिंग करने के बाद क्या होगा, क्वारंटाइन एरिया में गया, पैकेजिंग और स्टोरेज। ये एक आपका फ्लो चार्ट है, आपको इस तरह से याद रखना है कि जैसे ही आपने वेइंग करा, स्टॉक रूम से वेइंग करा, वहाँ पर कंपाउंडिंग हुई, कंपाउंडिंग का यदि आपको स्टरलाइजेशन करना उस प्रोडक्ट का, तो स्टरलाइजेशन हुआ, फिलिंग हुई और क्वारंटीन लेबलिंग बाहर निकल गया। उसी तरह यदि आपने कंपाउंडिंग किया और पहले स्टरलाइजेशन करना है, स्टरलाइजेशन हुआ, फिर फिलिंग हुई और क्वारंटीन, और इस तरह से आपका ये टिपिकल लेआउट है स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया का। अब आपको बात करना है फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल की बात करेंगे तो बेसिसोटिक्स में आपने सब कुछ देखा है, हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। व्हीकल क्या है, दे आर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल विच आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्टेबल। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्टेबल की बात। तो एक्वस व्हीकल में आपको लगेगा वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड एयर, इतना भी याद रखो। नॉन एक्वस व्हीकल में आपको क्या लग जाएगा, ऑयल्स, अल्कोहल, फिन प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ये आपका लगेगा, ठीक है। एक्वस व्हीकल में आपके पास एक्वस व्हीकल और नॉन एक्वस व्हीकल, ठीक है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल एजेंट आपके पास क्या रहेंगे, फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं हम, या फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल में व्हीकल की जरूरत हो गई, व्हीकल क्या हो गया, एक्वस व्हीकल हो सकता है, नॉन एक्वस व्हीकल हो सकता है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल एजेंट की जरूरत लगेगी, क्योंकि वहां पर जो रूफ और वॉल सीलिंग है उसकी आप सफाई करेंगे ना, तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट कौन कौन से हो गए आपके, फिनॉल 0.5%, क्रिसॉल 0.3%, क्लोरोक्रिसॉल 0.2%, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002%। ये आपके एंटीबैक्टीरियल एजेंट आप यूज करेंगे किसके लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, जो आपके फिलिंग एरिया है उसके लिए। एंटीऑक्सीडेंट आप यूज करेंगे थायोयूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये एंटीऑक्सीडेंट याद करना है। बफर्स यूज करना पड़ते हैं आपको पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग, अब आपसे यदि उसने प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोसेसिंग पूछ ली तो आप किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट,
सीधी सी बात है, हमको कुछ इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले जिस चीज़ में हम बनाएंगे, हम घर पे खाना बनाते हैं तो जिसमें आटा लगाते हैं उस थाली की होती है कि ना वॉशिंग, और जिसपे बनाई बनाई जाती है वो, तो क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की क्लीनिंग हम लोगों ने कर ली। अब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग की यदि बात करते हैं हम, तो क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट बिल्कुल नेसेसरी है। हम जहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो इक्विपमेंट की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसम्बल होता है, क्या होता है एक्चुअल में, जो पहले प्रोडक्शन हो चुका है उसके बाद मशीन्स को खोल दिया जाता है और उसको डिसइंफेक्टेंट कर दिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट करने के बाद जब हम जाते हैं तो जब इक्विपमेंट की फिर से क्लीनिंग होती है, और इस समय उसको डिसइंफेक्टेंट नहीं किया जाता है, इस समय उसको सुबह बिल्कुल वाटर से रिंस करके कस दिया जाता है, ठीक है। फिर क्लीनिंग सीलिंग क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर, उसके बाद क्या होता है आप कंटेनर और क्लोजर की क्लीनिंग करेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिपरेशन फिलिंग उसी में होगी। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जब आपका इतना प्रोसेस हो जाता है कि आपका इक्विपमेंट तैयार है, साथ ही साथ आपका कंटेनर्स और क्लोजर तैयार है फिलिंग के लिए, तो फिर क्या होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सॉल्यूशन या सस्पेंशन का हम प्रिपरेशन करने जाते हैं। प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वेइंग होगा, वेइंग होके बाद हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, डिस्टिल वाटर लिया, कौन सा वाटर लिया हमने, वाटरफॉल इंजेक्शन लिया, वो लेके हमने उसका सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बना के फिर हम उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद क्या उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स रहती है या अपना बोल सकते हैं कि हम इम्प्योरिटीज रहती है उसको फिल्टर कर लिया, इम्प्योरिटीज बराबर वर्ड नहीं रहेगा, हम बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी रहें कि जो वो रहेंगे तो हम फिल्टर कर लेंगे। फिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन एम्पुल्स एंड वायर, आफ्टर फिल्ट्रेशन हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट अब बन के तैयार है, अब इसका क्या होगा फिलिंग होगा, किसमें, एम्पुल और वायल में, हमने इसके एम्पुल और वायल में फिलिंग कर दी। फिलिंग करने के बाद क्या होगा सीलिंग होगा, तो सीलिंग मशीन आपको देखना पड़ेगी है कि नहीं है, किस साइज के एम्पुल में 1 ml 3 ml में आप फिल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप सीलिंग देख रहे हैं। सीलिंग हो गई, सीलिंग के बाद अब आपको देखना है स्टेलाइजेशन, आपको स्टेलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर स्टेलाइजेशन हमने किया, जनरली क्या होता है हम मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन यहाँ पर यूज करते हैं। फिर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जब आपका प्रिपरेशन हो गया स्टेलाइज हो गया, अब आपको उसको क्वालिटी कंट्रोल की टेस्ट लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेलिटी टेस्ट लगाना है, क्लियरिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट और पायरोजन टेस्ट, ये जनरली 4 टेस्ट हम लगाते हैं, इसके अलावा भी टेस्ट है पर यहाँ पर बात कर सकते हैं स्टेलिटी टेस्ट की। यदि वो आपसे पूछता है कि क्या क्या टेस्ट होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टेलिटी टेस्ट। स्टेलिटी टेस्ट में आपके पास 2 प्रोसीजर रहती है, आपके पास जो रहता है फ्लूइड थायो ग्लाइकोलेट मीडिया रहता है और सोयाबीन केसिन मीडिया रहता है। इसमें हम क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ करा के देखते हैं, ये दोनों ही बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अच्छे मीडिया है। आप स्टेलाइज चैम्बर में आप जाएंगे, लेमिनार एयर फ्लो हमने बताया था, उसमें क्या होगा स्टेलिटी टेस्टिंग के लिए आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप जो मीडिया है उस मीडिया में एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब से में आपने लिया जो इसकी स्टेलिटी की टेस्ट ट्यूब रहती है उस स्टेलिटी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया मीडिया। मीडिया लेने के बाद आपने उसमें क्या करा जो आपका प्रोडक्ट बना था जो हम इन हाउस में प्रोडक्ट क्वारंटीन एरिया में रखा है उस प्रोडक्ट को लेके आए उसको फिल्टर करा। फिल्टर करने के बाद हमने उसको फिल्टर पेपर इसमें डाल दिया तो ये हो गया आपका एक तरह से फिल्टर पेपर टेस्ट। दूसरा आप क्या करेंगे डायरेक्ट इनोकुलेशन, आपने डायरेक्ट ही लिया 5 ml या 10 ml उसको क्या करा जो आपका मीडिया है उसमें डाल दिया, उसका 7 दिन रखा फिर 14 दिन रखा। इस तरह से हम 3 स्टेलिटी टेस्ट लगाते हैं। यदि बैक्टीरियल ग्रोथ आती है तीनों स्टेलिटी में तो आपका प्रोडक्शन जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेलिटी टेस्टिंग फेल हो जाती है, इसलिए वो फिर से प्रोडक्ट बनेगा वो लॉट खराब हो गया। क्लियरिटी टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट हम जनरली देखते हैं, आपने आपकी लैब में भी देखा होगा एक बोर्ड लगा रहता है व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लैक बैकग्राउंड वाला। अब उसमें क्या होता है जो ब्लैक बैकग्राउंड रहता है उसमें हम व्हाइट इंप्योरिटीज को देखते हैं और जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसमें हम ब्लैक इंप्योरिटीज को देखते हैं। इसके बेस पे हम जाके हमारी जो वायल और एम्पुल या बॉटल है उसको देखते हैं, वहाँ लाइट लगा हुआ था तो हमको इंप्योरिटीज उसके बैकग्राउंड में दिख जाती है। लीकेज टेस्ट, लीकेज टेस्ट हम जनरली करते हैं इसलिए कि कहीं से आपका एम्पुल या वायल लीक तो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें लीकेज टेस्ट करते हैं। दूसरा आप, तीसरा आप, चौथा आपका बात करेंगे पायरोजन टेस्ट। जो पायरोजन टेस्ट है तो पायरोजन टेस्ट जनरली रेबिट पे होता है, 3 हेल्दी रेबिट इसमें लेते हैं। 3 हेल्दी रेबिट लेने के बाद हम क्या करते हैं उनके रेक्टल रूट से उनका टेम्परेचर नोट करते हैं, उसके बाद जो इंजेक्शन है वो लगाने के बाद फिर हम उनका फिर टेम्परेचर
नोट करते हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है मतलब आपके जो प्रिपरेशन है उसमें पायरोजन प्रेजेंट है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि पायरोजन फ्री वाटर और कंटामिनेशन फ्री प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। यह हमारा स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। अब इसके जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू वेरी मच।